दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय भूषण ज्वेलर सोलन। राजधानी शिमला में सुबह करीब 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे जाम में लोग पिसते रहे। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार को खलीनी से हिमलैंड तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। बताया जा रहा है कि टॉलैंड के पास शिमला की तरफ आ रही HRTC की बस अचानक सड़क पर खराब हो गयी। इससे शिमला के लोगों को भारी ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा। मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस भी व्यवस्था को नहीं सुधार पाई। हालात ये हो गए कि लोगों को पैदल ही दफ्तर पहुंचना पड़ा। सुबह करीब 2 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। HRTC की खटारा हो चुकी बसें हर रोज जाम की समस्या पैदा करती है, लेकिन निगम बसों को बदलने के लिए राजी ही नहीं है, जिस वजह से आम लोगों को हर रोज परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ बता दें कि राजधानी में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया गया तो अब टूरिस्ट सीजन में हालात और विकट हो सकते हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। यदि आप शुभ नवरात्रों और शादियों के इस सीजन में खरीदारी की सोच रहे हैं तो अवश्य आएं भूषण ज्वेलर। इन खास त्योहारों को खास बनाने के लिए सोलन के भूषण ज्वेलर आपके लिए लाए हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का बेजोड़ खजाना, वो भी बेहद किफायती दामों पर। भूषण ज्वेलर आभूषणों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूषण निर्माताओं में शुमार हो गया है। खरीदारी के समय यहाँ न आपको केवल अपनेपन का एहसास होगा बल्कि कुछ न कुछ गिफ्ट भी अवश्य मिलेगा। भूषण ज्वेलर सोलन के MD विनय गुप्ता का कहना है कि शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि त्योहारों के सीजन में ग्राहकों को एक ईऑन कार, 5 स्कूटी व 1.5 इनाम दिए गए हैं। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है। तो देर किस बात की, अपनी सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए चले आए भूषण ज्वेलर सोलन।